हेलो एवरीवन, मेरा नाम है मीरा बिस्ट और मैं आज आप लोगों को क्या सिखाने वाली हूँ, एक्सेल में सम करना सिखाने वाली हूँ। ठीक है, हम वैल्यूज को कैसे सम कर सकते हैं वो सारी चीज़ें बताऊंगी मैं आपको। तो हम इसमें तीन फंक्शंस कवर करेंगे, सम, सम एफ एंड सम एफ। इसका डिफरेंस ही मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, पहले मैं आपको बताती हूँ कि हम लोग कैसे भी फंक्शन परफॉर्म कैसे करते हैं। ठीक है, उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इक्वल टू साइन चाहिए होता है। आपको कोई भी फंक्शन करना हो उसके लिए इक्वल टू साइन कंपल्सरी है। ठीक है, अब मुझे करना है कि समझ लो मैंने आइसक्रीम ली 30 रुपये की और क्वांटिटी थी 10। तो हमें क्या करना है, ये से एक्सट्रैक्ट करना है, ये है आपका C2। ठीक है, इसको इनटू करेंगे हम किससे, क्वांटिटी से। तो हमारा क्या आ जाएगा, टोटल, यानी कि अगर मैं 30 आइसक्रीम 30 रुपये के रेट पे आइसक्रीम लेती हूँ 10 क्वांटिटी की, तो मुझे टोटल उसको कितना पे करना पड़ेगा, 300। सेम एज अगर मैं 50 रुपीज़ की रेट पर दूध लेती हूँ क्वान्टिटी 2 किलो, तो मुझे कितना पे करना पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है, इसका आ जाएगा। इस तरीके से हम सारे यहाँ से सिलेक्शन करके, ब्लैक प्लस आता है जिससे मैं ड्रैग करके अपना सारा निकाल सकती हूँ। ठीक है, इसके बाद मैंने क्या किया कि समझ लो मार्केट में मैं ये चीज़ें खरीद कर आई। ठीक है, तो मेरा टोटल पैसे कितने लग गए यहाँ से मैं चेक कर सकती हूँ। इन सबको हम सम कर सकते हैं, सिलेक्शन करेंगे वाइट प्लस से और सिलेक्शन करके जब एंटर मारेंगे तो यानी कि एक दिन में मैंने 730 रुपये खर्च कर दिए। ठीक है, ये सामान खरीदने के बाद तो अब मैं आपको सम करना सिखाती हूँ। जैसे समझ लो मेरे पास यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ जो है वो है वर्टिकली, तो हम वर्टिकली सम कर सकते हैं। सम आप 2-3 तरीके से करते हैं, जैसे कि पहले आ रहा है आपका नंबर 1, इसका सेल एड्रेस क्या है, सी, एंड यहाँ से 11, रो 11 है और कॉलम सी है। ठीक है, सेकेंड क्या है, आप क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली इसका सेल एड्रेस भी ले लेगा। तो आप 1 बाय 1 यहाँ पर क्लिक करते जाएंगे, ब्रैकेट बंद करेंगे, एंटर मारेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, या फिर सेकंड मेथड क्या आपके पास टोटल करने का, आपने सम लिया, ठीक है, और यहाँ से लेकर स्टार्टिंग वैल्यू से लेकर एंडिंग वैल्यू लिख दी डबल डॉट कॉलन के साथ, तो भी आपका सम आ जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया मेरा इस तरीके से। अगर मेरे पास वैल्यू इस तरीके से हैं तो हम वाइट प्लस से सिलेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, और मुझे यह करना है इन सब का सम निकालना है। तो हमने सम लिया और वैल्यू यहाँ से सेलेक्ट कर ली इस तरीके से वाइट प्लस से, तो मेरा सम आ जाएगा। ठीक है, अगर मेरे पास रैंडमली कोई वैल्यूज़ हैं इस तरीके से, तो मैं सम कैसे कर सकती हूँ, इक्वल टू सम लिखेंगे, यानी कि आप हॉरिजेंटली वर्टिकली कैसे भी सम कर सकते हैं, और चाहो तो रेंज इस तरीके से भी सिलेक्शन कर सकते हैं। कॉमा लगाएंगे, नंबर 2 पे मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक ले लिया, कॉमा नंबर 3, ये आपको बताता रहेगा, सिंगल सिंगल भी ले सकते हो सिलेक्शन करके। ठीक है, तो इस तरीके से हम निकल गया, तो ये टोटल आपका यहाँ पे 649 आ गया। ठीक है, आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। इसके बाद क्या आता है मेरे पास, सम निकाल देते हैं यहाँ पे हम लोग। यहाँ से मैंने रेंज ले ली इन सब की और मेरा सम आ गया। ये तो टोटल आ गया आपका नंबर्स का। ठीक है, जितने भी नंबर्स थे उसका टोटल निकालना तो हम सम यूज़ करेंगे, लेकिन अगर मेरे को वही नंबर क्या कंडीशन के बेस पर निकालना हो तो हम लोग क्या करेंगे। ठीक है, यहाँ पर पहले आपसे पूछ रहा है सम एफ लिखना है हमें, ये आपसे रेंज पूछ रहा है। ठीक है, कौन सी रेंज पर क्राइटेरिया लगाना है हमें, इस रेंज पे। ठीक है, क्राइटेरिया क्या होता है, कंडीशंस होती है। ठीक है, कौन सी कंडीशंस पे लगाना चाहते हो, जैसे मुझे आइसक्रीम पे लगानी है। ठीक है, कि आइसक्रीम जो जितनी भी है उसका टोटल आ जाए। फिर ये क्राइटेरिया लगने के बाद सम रेंज, जहाँ पर सम आपका यूज़ होता है। ठीक है, ब्रैकेट बंद, एंटर, तो ये दिखा रहा 300, आइसक्रीम 300 टोटल था ना। इनकेस समझ लो अगर आपने एक और आइसक्रीम खरीद ली, ठीक है, और यहाँ पे हमने चेंज कर दी कोई भी वैल्यू, तो आपका टोटल चेंज हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि 300 ही हो गया, 250 ही हो गया आइसक्रीम का, दिखा देती हूँ अलग से हाईलाइट करके, ये रहा एक आइसक्रीम और ये रहा एक आइसक्रीम, तो आपका क्या आ जाएगा, 550। ठीक है, तो ये तो हो गई सिंगल कंडीशन, लेकिन अगर मुझे आइसक्रीम के साथ मिल्क को भी ऐड करना हो तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे यूज़ होता है मल्टी कंडीशन, क्योंकि 2 कंडीशंस यूज़ हो रही है ना मेरी, मुझे आइसक्रीम के साथ यहाँ पे बनाना भी ऐड करना है। यहाँ पे देखो एक ही थी, आप चाहो तो यहाँ पे क्या कर सकते हो, प्लस करके एक और लगा सकते हो इस तरीके से। ठीक है, एक और सम एफ लगाया मैंने, एक और रेंज दी, रेंज मेरी यही थी। ठीक है, और मुझे क्या करना था, यहाँ पर क्राइटेरिया लगाना था, किसका, बनाना का बताना मैंने आपको। ठीक है, बंद किया मैंने यहाँ पे और यहाँ पे सम रेंज ले लिया इस तरीके से, ब्रैकेट बंद, एंटर।
ऐसे आप मल्टीपल क्राइटेरिया बना सकते हो। 670 आ गया ठीक है मेरा, मैंने दो सम इफ लग, देखो सम इफ कैसे निकालना है मुझे यहाँ पे, ठीक है मल्टीपल क्राइटेरिया लगा सकते हो आप। यहाँ पे सम रेंज मांग रहा है दिस वन, ठीक है अब मुझे क्या करना है इस पर क्राइटेरिया लगाना है, क्राइटेरिया वन ये है मेरा क्राइटेरिया रेंज, ठीक है इस क्राइटेरिया पे कौन सा लगाना चाहते हो, समझ लो मुझे आइसक्रीम चाहिए तो मैंने आइसक्रीम ले ली, ठीक है आइसक्रीम के भी ऊपर आप अगर कोई कंडीशंस लगाना चाहते हो तो उसके लिए क्राइटेरिया टू यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मुझे रेट रेट पे लगाना है कि जिसका भी रेट आपका आइसक्रीम का ठीक है 30 से ऊपर है या लेस देन 30 है, ग्रेटर देन 30 लिख देते हैं ना, ग्रेटर देन 30 है ठीक है उसका शो करवा दे, ब्रैकेट बंद करेंगे एंटर मारेंगे तो 250 आ जाएगा। 30 से ऊपर क्या था आपका, यहाँ पे देख लो टोटल 300 था, ये था ग्रेटर देन 30, तो यहाँ पे आपका क्राइटेरिया ये फिट हो रहा है। देखो दो क्राइटेरिया बने मेरे, एक तो बना आइसक्रीम वाला ठीक है ये रहा आइसक्रीम, और दूसरा क्राइटेरिया क्या बना कि आपकी जो ये रेंज है ये 30 से ऊपर होनी चाहिए यानी कि दिस वन, तो ये आपका इस क्राइटेरिया फिट हो गया। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, एक से ज़्यादा कंडीशंस लगा सकते हैं ठीक है। मैं इस तरीके से भी आपको समझा सकती हूँ, जैसे कि समझ लो मेरे पास क्या है यहाँ पे, हम थोड़ी सी वैल्यूज को बढ़ा देते हैं, लाइक मैं आइसक्रीम और ऐड कर देती हूँ इस तरीके से ठीक है। तो मैंने क्या किया सम इफ्स में, सम इफ्स लगाया ठीक है, यहाँ पे सम रेंज ये रहा आपका ठीक है, क्राइटेरिया क्या था मेरा यहाँ पे परचेज पे, परचेज पे क्या ढूंढे वो आपका आइसक्रीम, ठीक है देन आपको क्या चाहिए यहाँ पे, किस पे लगाए क्वांटिटी पे ठीक है, क्वांटिटी पे लगाए थे जिसकी क्वांटिटी आप चाहो तो, अगर देखो अगर आप लिख रहे हो सेल्फ, जैसे मैं यहाँ पे सेल्फ लिख रही हूँ 50 ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा डबल कोट्स के अंदर रखना पड़ेगा। सम हो गया आपका, यहाँ से ले लेती हूँ B1 से लेके हो गया आइसक्रीम, D1 से D6 हो गया आपका लेस देन 5 आ गया आंसर ठीक है। जो रेंज आपने ली थी वो गलत थी, यहाँ टोटल से लेना था ठीक है। नेक्स्ट क्या है, आप चाहो तो यहाँ पे इसकी जगह अगर मैं क्या कर रही हूँ सेल को सिलेक्ट कर रही हूँ लाइक दिस वन, तो मुझे डबल कोट्स लगाने की ज़रूरत नहीं है इस तरीके से, और अगर मैं यहाँ पे सेल्फ लिख रही हूँ तो मुझे डबल कोट्स की लेस देन या ग्रेटर देन, तो मुझे डबल कोट्स की जरूरत पड़ेगी ठीक है। तो आई होप इतना क्लियर हो गया होगा, इसमें कोई डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में जाके मुझसे पूछ सकते हैं। यहाँ पे हम ग्रेटर देन का साइन भी यूज़ कर सकते हैं इसकी जगह इस तरीके से ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 5 से ऊपर जिसकी क्वांटिटी होगी लाइक दिस वन, तो वो उसको ऐड कर देगा, अगर 5 से ऊपर क्वांटिटी में यहाँ पे कर देती हूँ 6 तो वो इसको भी ऐड कर देगा इसके अंदर ठीक है। तो ऑप्शन में किसके थ्रू यूज़ कर सकती हूँ, एफ एक्स के थ्रू इंसर्ट फंक्शन ठीक है। यहाँ पे क्या चाहिए मुझे, सम करना है या सम इफ लेना, ले लो आप यहाँ से, मुझे सम इफ लेना है ठीक है। गो करोगे यहाँ पे तो ऑप्शन आ जाएगा आपके पास, अगर यहाँ पे होगा तो, जैसे कि अब यहाँ पे नहीं है ना, ये देखो आ गया समय फंक्शन ठीक है, देन ओके कर दोगे इसमें। अब यहाँ पे आ रहा है फर्स्ट रेंज ठीक है, रेंज क्या थी मेरी दिस वन ठीक है, देन क्राइटेरिया क्या लेना था मुझे इसमें आइसक्रीम, सेलेक्ट करके भी कर सकते हो या फिर डबल कोट्स के साथ आइसक्रीम भी लिख सकते हो इस तरीके से ठीक है। इसमें क्या है आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली ले लेगा बना लेगा फॉर्मूला ठीक है। देन रेंज दिस वन ठीक है ओके, तो यहाँ पे मेरा आंसर आ जाएगा, देख लो सम इफ का यही फॉर्मूला था ठीक है, और यही फॉर्मूला मैंने यहाँ अप्लाई किया था ठीक है। अगर अब मैं चाहती हूँ सम इफ्स करना तो मैं यहाँ से सम इफ्स भी कर सकती हूँ। ये मोस्ट रिसेंटली फंक्शन जो यूज़ हुए वो है, ऑल पे जाओगे, यहाँ पे आप फंक्शन की डिटेल लिखोगे जो आपको सर्च करना है ठीक है, देन यहाँ पे गो टू कमांड, सम इफ्स आ गया देन ओके यूज़ करोगे। यहाँ पे सम की रेंज लेनी है दिस वन, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से एक्चुअली टोटल से ठीक है। देन मुझे यहाँ पे लिखना है क्राइटेरिया, ये मेरा फर्स्ट क्राइटेरिया था,
ठीक है, क्राइटेरिया रेंज में क्या था मेरा, आइसक्रीम 10 वन, ठीक है। अब जो क्राइटेरिया रेंज क्या है, जितनी भी आइसक्रीम है उसमें से सेकंड क्राइटेरिया बनेगा आपका। लाइक जैसे मैंने यहाँ पे रेट ले लिया, जिसका भी रेट आपका 100 से है या 100 से ऊपर है, इस तरीके से रेट बनाएंगे हम। लाइक 50 या 60 से ऊपर है तो हम यहाँ पे ओके कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा। तो देख लो आइसक्रीम आपकी रेट जिस 60 से ऊपर है, ये ऊपर नहीं है 60 से, ये भी ऊपर नहीं है, सिर्फ ये वाला है, तो 250 आंसर आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे 55 कर देती हूँ तो मेरा आंसर क्या होगा, यहाँ पे चेंज होना चाहिए ना, 60 से ऊपर है, 55 नहीं 68 कर देती हूँ तो मेरा आंसर चेंज हो जाना चाहिए। तो ये भी इसके अंदर ऐड हो जाएगा, किसके अंदर, ये 100 के अंदर। 130 प्लस 250, 386 आपका आंसर आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इंसर्ट फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया हो, इसमें कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन जाके पूछिए। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब करना मत भूलिए मेरे चैनल को, ताकि आपको ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोज़ मिलती रहे। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच।